सोमू सिंह जो कि एडमिनिस्ट्रेटर हैं ऑफ दिस ग्रुप टीचर्स एजुकेटर्स इन इंडिया, इनको धन्यवाद देता हूँ, कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ कि मेरा लेक्चर नंबर 46 इन्होंने यहाँ पे प्लान किया है और ऑलरेडी 45 लेक्चर्स यहाँ पे हो चुके हैं। तो मैं सबसे पहले उनको कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। आज का मेरा जो लेक्चर है उसका टॉपिक है ऑनलाइन एजुकेशन इश्यूज एंड चैलेंजेस। इस विषय पर मेरा लेक्चर हो रहा है। तो मैं सबसे पहले दो चीज़ें यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि अभी तक जो विश्वविद्यालय थे उनमें मोबाइल्स जो था वो बैन हो गया था और अब हम लोग देख रहे हैं कि यूनिवर्सिटीज़ जो है वो मोबाइल्स पे चल रही हैं। तो ये बहुत बड़ा एक शिफ्ट हम लोग देख रहे हैं इंडिया में। कुछ मैं अपने लेक्चर को मैंने 5 पार्ट्स में डिवाइड किया है, वो 5 पार्ट्स हैं। पहले मैं आई विल डिस्कस अबाउट द ऑनलाइन एजुकेशन ओवरव्यू। सेकेंड पार्ट में मैं डिस्कस करूंगा इश्यूज इन ऑनलाइन एजुकेशन। इसके बाद मैं डिस्कस करूंगा चैलेंजेस, ओवरकमिंग चैलेंजेस क्या क्या हैं, इनसे हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं। फोर्थ पार्ट में मैं डिस्कस करूंगा व्हाट आर द डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज इन दी ऑनलाइन एजुकेशन। और लास्ट में मैं डिस्कस करूंगा कि फ्यूचर अहेड क्या है, फ्यूचर क्या है ऑनलाइन एजुकेशन का। तो सबसे पहले अपने लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले कुछ डेटा मैं यहाँ पे शेयर करना चाहता हूँ। वो डेटा है कि इंडिया में आज की डेट में लगभग 900 यूनिवर्सिटीज़ हैं, 50,000 कॉलेजेस हैं एंड 40 मिलियन पीपल जो हैं वो हायर एजुकेशन ले रहे हैं। 2027 तक $439 बिलियन का ये मार्केट हो जाएगा आने वाले समय में। और COVID-19 की वजह से जो ये कोरोना क्राइसिस हम देख रहे हैं, पूरे 186 कंट्रीज में 1.2 बिलियन जो पीपल हैं वो क्लासरूम से बाहर होने के लिए मजबूर हो गए हैं। इसकी वजह से जो एजुकेशन है उसको शिफ्ट करना पड़ा है ऑनलाइन एजुकेशन, ऑफलाइन एजुकेशन से ऑनलाइन एजुकेशन की तरफ। एक डेटा मैं आपको और शेयर करना चाहता हूँ, वो डेटा ये है कि बायजू एक कंपनी है जो बेंगलोर बेस्ड है, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी है, ऑनलाइन ट्यूटरिंग कंपनी है जो कि 2011 में बनी थी, आज के समय में वर्ल्ड की मोस्ट हाईली वैल्यूड कंपनी हो गई है। तो कोविड क्राइसिस में सबसे अधिक बेनिफिट जो हो रहा है वो ऑनलाइन जो एजुकेशनल टेक्नोलॉजीज की कंपनीज हैं उनको हो रहा है। जो CEO हैं, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर मृणाल मोहित, उन्होंने ये बैजूस कंपनी के उन्होंने कहा है कि लगभग 200% उनका व्यापार इस दौरान बढ़ा है। इसके साथ एक डेटा मित्रों मैं आपके सामने और शेयर करना चाहता हूं कि एक टेंसेंट कंपनी है, टेंसेंट, और फरवरी में 2020 में 25 मिलियन जो फुल टाइम जो स्टूडेंट्स थे जो अपनी स्टडीज रिज्यूम कर रहे थे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे चाइना में, ये पाया गया कि लगभग उसके 81% क्लास 12th के बच्चों ने टेंसेंट कंपनी के एप्लीकेशन को यूज करके अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू किया वुहान में। ये विश्व का सबसे बड़ा जिसको कह सकते हैं ऑनलाइन मूवमेंट है इन द हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तो बहुत सारी कंपनीज इसी दौरान हिस्ट्री भी क्रिएट कर रही हैं। लार्क कंपनी है मित्रों, सिंगा बेस्ड कंपनी लार्क, और ये कंपनी ऑनलाइन एजुकेशन में काफ़ी वर्ल्ड की रिनाउड कंपनी है। इस कंपनी के बारे में डॉक्टर अहमद जो कि प्रोफेसर हैं यूनिवर्सिटी ऑफ जॉर्डन में, उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है कि जो वे ऑफ टीचिंग है वो काफ़ी बदल गया है क्योंकि अब ऑनलाइन टीचिंग में चैट ग्रुप्स, वीडियो मीटिंग्स, वोटिंग्स और डॉक्यूमेंट शेयरिंग पॉसिबल हो पाया है। तो इसने इनके टीचिंग को जो टीचिंग है इसको जो है काफ़ी इफेक्टिव और इफिशियंट बना दिया है। मित्रों हमने देखा था एक सार्स वायरस आया था, तो सार्स वायरस के बाद पूरे विश्व में बहुत बड़ा एक बदलाव आया था। ई कॉमर्स जो कंपनीज हैं वो कंपनीज निकल के आई थी विश्व में। अब हम देख रहे हैं कि COVID-19 के बाद अब एक बड़ा बदलाव आएगा कि आप देखेंगे कि ऑनलाइन जो एजुकेशन है ये पार्ट एंड पार्सल ऑफ द एजुकेशन हो जाएगा। अब मैं अपने टॉपिक पे आता हूं कि व्हाट आर द इश्यूज इन ऑनलाइन एजुकेशन, कौन कौन से इश्यूज हैं ऑनलाइन एजुकेशन में। पहला इशू है डिजिटल डिवाइड। मित्रों सबसे पहला इशू है डिजिटल डिवाइड। ये क्या है कि द मेजर चैलेंज ऑफ रिमोट लर्निंग इज डिस्पैरिटी इन एसेस
फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी एंड इंटरनेट। अभी भी सभी लोगों के पास न तो इलेक्ट्रिसिटी की सुविधा है, हर गांव तक पहुंच पाई है, भारत सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन उसके बावजूद भी इलेक्ट्रिसिटी के पोल्स तो चले गए हैं गांव गांव में, लेकिन अभी इलेक्ट्रिसिटी की स्थिति उस स्तर पे सुधार नहीं हुआ है। पहले से काफी बेहतर हुआ है, लेकिन उस तरीके का सुधार अभी नहीं हुआ है। इंटरनेट कनेक्शन अभी गांव गांव तक पहुंच नहीं पाए हैं, तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में इंटरनेट कनेक्टिविटी को पहुंचाना काफी बड़ा चैलेंज होगा भारत सरकार के सामने, जिससे कि ऑनलाइन एजुकेशन को और बढ़ावा मिल सके। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने एक सर्वे किया था 2017-18 में, उस सर्वे में पाया था कि 16% ऑफ द इंडियन हाउसहोल्ड्स, उन 16% जो इंडियन हाउसहोल्ड्स हैं उनको 1 से 8 घंटे के बीच में बिजली मिलती है, 33% जो हैं उनको 9 से 12 घंटे की बिजली मिलती है, और जो 47% हैं उनको 12 घंटे से ज़्यादा बिजली इस देश में मिल पा रही है। ये 2017 से 18 का मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट का एक सर्वे है। 24% अगर हम डेटा की बात करें तो 24% जो इंडियन पॉपुलेशन है उसके पास स्मार्टफोन है, और 11% जो पॉपुलेशन है उसके पास कंप्यूटर, लैपटॉप, नोटबुक्स और नेट पानटॉप्स करके इस तरीके की चीज़ें अवेलेबल हैं। 24% के पास स्मार्टफोन और 11% लोगों के पास ही सिर्फ कंप्यूटर और लैपटॉप जैसी चीज़ें पहुंच पाई हैं। जो 24% इंडियन हाउसहोल्ड्स हैं उनको इंटरनेट फैसिलिटी है, 66% पॉपुलेशन, 66% ऑफ द पॉपुलेशन हमारी रहती है गाँव में, और इन गाँव में सिर्फ 15% लोगों के पास हम लोग देखते हैं कि उनके पास हाउसहोल्ड, उनके पास इंटरनेट कनेक्टिविटी है, और अर्बन एरियाज में लगभग 42% लोगों के पास इंटरनेट कनेक्टिविटी है। तो इसका मतलब जो डिजिटल डिवाइड है, ग्रामीण क्षेत्रों में सिर्फ 15% लोगों के पास और शहरी क्षेत्रों में लगभग 42% लोगों के पास इंटरनेट कनेक्टिविटी है। तो अगर ये डिजिटल डिवाइड जो है इसको खत्म करना है तो नेट कनेक्टिविटी, जो हार्डवेयर के जो इश्यूज हैं, सॉफ्टवेयर के इश्यूज हैं, ये अर्बन और रूरल पॉपुलेशन में इसको कम करना होगा। सेकंड, हम देखते हैं कि भारत में लगभग 37% लोग एक घर के मकान में रहते हैं, तो इसका मतलब है कि जो बच्चे ऐसे घरों में रहते हैं जिनके पास सिर्फ एक ही घर हो, तो कमरे का घर हो, तो ऐसे बच्चों के लिए लर्निंग, ऑनलाइन लर्निंग एक बहुत बड़ा इशू होगा। तो एक एक बहुत बड़ा इशू है कि बहुत सारे लोगों के पास 2 कमरे नहीं है जिसमें कि एक कमरे में जाके बच्चा आराम से अपनी शिक्षा को ग्रहण कर सके। तीसरा इशू जो हम देखते हैं जो ऑनलाइन एजुकेशन में है वो है डेटा प्राइवेसी का। डेटा प्राइवेसी का मतलब जो डाउनलोडिंग हो रही है, जो डेटा का जो डाउनलोड हो रहा है, बहुत सारे लोग फ्रॉड एप्लीकेशंस आज की डेट में अवेलेबल हैं, तमाम प्ले स्टोर हो चाहे कोई भी स्टोर हो जहां से हम लोग डाउनलोड करते हैं, तो डेटा प्राइवेसी का एक बहुत बड़ा इशू आ रहा है। तो एक जहां से डेटा थेफ्ट होने के चांसेस हैं, तो ये बहुत बड़ा एक इशू है डेटा प्राइवेसी का। चौथा, हम लोग देख रहे हैं कि जूम ऐप जो लगातार हर इंस्टीट्यूशंस में, यूनिवर्सिटीज में मीटिंग्स के लिए प्रयोग हो रहा है, उसके लिए तमाम सेफ्टी गाइडलाइंस मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इशू कर रही है। तो इसका मतलब आज की डेट में डेटा प्राइवेसी भी एक बहुत बड़ा इशू हो गया है। फोर्थ इशू है रियल टाइम इंटरेक्शन। मित्रों, जब हम क्लास लेते हैं एक ब्रिक एंड मोर्टार मॉडल में, जहां पर एक क्लासरूम सेटिंग होती है, टेबल चेयर्स होते हैं, बच्चे बैठे होते हैं, वहां पर जो इंटरेक्शन होता है, हमारा इंटरेक्शन बच्चों से साइकोलॉजिकल हो पाता है, हम इमोशनली उनसे कनेक्ट हो पाते हैं, लेकिन ये इशू आता है जब हम ऑनलाइन एजुकेशन में जाते हैं। तो क्या ऑनलाइन इशू में ऐसे इसी चीजों को शामिल किया जा सकता है जिसकी वजह से रियल टाइम इंटरेक्शन हो सके, एक बहुत बड़ा इशू है। फिफ्थ इशू है जो कैसे इंगेज करें स्टूडेंट्स को, इंगेजमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स, जो बहुत बड़ा इशू है। जैसे कि इंगेजमेंट के लिए असाइनमेंट्स एंड क्विजेज हम प्रोवाइड करते हैं ऑफलाइन क्लासेस में, क्या ये पॉसिबल है कि हम असाइनमेंट्स दें, क्विजेज दें और बच्चों को बेहतर तरीके से ऑनलाइन एजुकेशन में अपने साथ प्लेटफॉर्म्स पे इंगेज कर सकें? ये बहुत बड़ा इशू है इंगेजमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स। छठा इशू है जो ये पाया गया है कि यदि 7 से 8 घंटे बच्चे इंटरनेट को यूज करते हैं, अपने स्मार्टफोन्स पे रहते हैं, टीवी पे रहते हैं, तो क्या उनके हेल्थ के इश्यूज नहीं होंगे? क्या उनके जो आईज हैं वो उतनी हम कह सकते हैं स्वस्थ रह पाएंगी जैसे कि पहले रहती थी? तो एक बहुत बड़ा इशू है कि 7-8 घंटे 10 घंटे यदि ऑनलाइन क्लासेस बच्चा करेगा तो उसकी आंखों पे क्या असर पड़ेगा, ये बहुत बड़ा एक इशू है जिसे हमें देखना पड़ेगा। इसके अलावा जो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है,
जब स्टूडेंट्स क्लास में आते हैं तो जो उनका लोनलीनेस है वो खत्म होता है, क्योंकि वो बच्चों के साथ मिलते हैं, अपनी बहुत सारे पीयर लर्निंग करते हैं, अपने इश्यूज को उनके साथ डिस्कस करते हैं। तो क्या ऑनलाइन जो एजुकेशन है इन लोनलीनेस को खत्म करने में क्या सहयोग कर पाएगा? क्या ऐसे एप्स बन पाएंगे जिससे लोनलीनेस, कि जैसे मित्रों हम देखते हैं फेसबुक पे हमारे 1,000 मित्र हैं, 2,000 मित्र हैं, लेकिन वास्तव में हमारे बहुत कम मित्र हैं, उसी तरीके से क्या ऑनलाइन एजुकेशन में बच्चा 100 लोगों के साथ क्लास तो कर रहा होगा, लेकिन क्या वास्तव में अपने लिए कुछ ऐसे मित्रों का भी निर्माण कर पाएगा जिनसे अपनी समस्याओं का जो है डिस्कस कर सके, उनसे उनसे समाधान मांग सके? तो क्या यह पॉसिबल होगा? मित्रों, जो आठवां इशू जो ऑनलाइन एजुकेशन में है वो इशू है कि क्या 40 मिनट से ज्यादा का लेक्चर, 40 मिनट से ज्यादा का लेक्चर, क्योंकि लेक्चर्स हम देख रहे हैं कि सुबह 11 बजे से 3 बजे तक क्लासेस चल रही हैं, लेकिन जो रिसर्च स्टडीज कंडक्ट हुई हैं उन रिसर्च स्टडीज में ये पाया गया है कि 40 मिनट से ज्यादा का जो लेक्चर है वो इफेक्टिव नहीं होता। उसके बाद जो बच्चा होता है, जो स्टूडेंट्स होते हैं, वो अपने आप को, जिसको हम बोलते हैं आउटकास्ट फील करने लगता है, वो उसका मन नहीं लगता उसमें। तो क्या ये इशू सॉल्व कर पाएगा ऑनलाइन एजुकेशन 40 मिनट से ज्यादा का? मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा इशू है जो डिस्कस करना चाहिए हम लोगों को। जो इससे बड़ा जो 9th इशू मैं डिस्कस करूंगा, डिजिटल लिटरेसी का। हम डिजिटल कह सकते हैं कि सभी बच्चों को हम गैजेट्स प्रोवाइड कर सकते हैं, टीचर को प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन क्या डिजिटल लिटरेसी के लिए भारत सरकार या समाज के कुछ संगठन, एनजीओज या यूनिवर्सिटीज ऐसा एक बड़ा प्रोग्राम चला सकती हैं जिससे कि सभी लोग कम से कम डिजिटली लिटरेट हो सकें? ओनरशिप ऑफ डिवाइस का इशू है मित्रों यहां पर सबसे बड़ा। ओनरशिप ऑफ डिवाइस का मतलब है कि क्या क्या हम ये देखते हैं कि क्या सभी लोगों के पास जो स्मार्टफोन है सभी एक तरीके के हैं? किसी के पास 7,000 का है, किसी के पास 20,000 का स्मार्टफोन है, किसी के पास 50,000 का स्मार्टफोन है। स्मार्टफोन तो सभी लोगों के पास है, लेकिन उनकी जो क्वालिटीज होती हैं, जो स्मॉल स्क्रीन है, अगर अगर उसका स्मॉल स्क्रीन है अगर मोबाइल का, तो उस पे बैठ के पढ़ना संभव नहीं है। कुछ जो पैसे वाले बच्चे हैं, जो वेल ऑफ हैं, वेल ऑफ फैमिली से हैं, उनके पास तो अच्छे मोबाइल्स हैं, स्मार्टफोन्स हैं, तो वो उस स्थिति में है कि कंफर्टेबल लर्निंग कर सकें। लेकिन कुछ ऐसे बच्चे हैं जो 5,000 वाला स्मार्टफोन लेके चल रहे हैं, जो कि उतना ही खतरनाक है, स्मॉल स्क्रीन है, उनकी आंखों पर असर पड़ रहा है। तो ये हम कह सकते हैं कि जो डिवाइस की ओनरशिप है, इसके टर्म्स में भी भारत में एक बहुत बड़ा गैप है, इस गैप को पाटने की जरूरत है। 10वीं चीज है जो इशू है ऑनलाइन एजुकेशन में, वो है टाइम मैनेजमेंट का। जैसे क्लास में समय का प्रबंधन, जो कि मुझे लगता है कि एक शिक्षक होने के नाते समय का प्रबंधन बहुत जरूरी है। क्या समय का प्रबंधन पॉसिबल है? क्योंकि जब हम ऑनलाइन क्लास लेते हैं तो लोगों को म्यूट करना, अनम्यूट करना, उसमें कई लोग आप देखते होंगे कि किसी भी तरीके, कोई लेटा हुआ है, कोई बैठा हुआ है, डिसिप्लिन के इशू हैं, स्टूडेंट्स के डिसिप्लिन के इशू हैं, जो लर्नर्स के डिसिप्लिन को इशू हैं। क्या उन इशूज को हम ट्रीट कर पाएंगे? क्या उन इशूज को हम सही कर पाएंगे? तो ये एक हमारे लिए एक बहुत बड़ा इशू है कि जो टाइम मैनेजमेंट, जितना टाइम हम प्लान करके चल रहे हैं, उस समय के दौरान क्या हम अपने लेक्चर्स को पूरा कर पाएंगे? टाइम मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा इशू है। इसके बाद हम देखते हैं कि टेक्निकल हैजार्ड्स, जैसे आपने देखा होगा, अभी जस्ट मैं कुछ देर पहले ऑनलाइन आया, और ऑनलाइन होने के बाद 2 मिनट के लिए मैं फिर मेरा नेट कनेक्शन जो है वो कुछ गड़बड़ हो गया, उसके बाद फिर मुझे आना पड़ा। तो इसका मतलब है कि जो टेक्निकल हैजार्ड्स हैं, ये पार्ट एंड पार्सल ऑफ द टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस अभी तक रह रहे हैं। तो क्या अभी हमारे देश में 4G कनेक्शन भी ठीक से नहीं चल रहा है, 5G की बात हो रही है? तो अमेरिका से हम तुलना नहीं कर सकते हैं मित्रों, क्योंकि 5G वहां पे ऑलरेडी चल रहा है, वहां पे ऑनलाइन एजुकेशन है, डेटा की स्पीड है, कनेक्टिविटी है, स्पेक्ट्रम के इश्यूज हैं, वहां पे दूसरे हैं, दूसरे डेवलप्ड कंट्रीज हैं। हम अपनी तुलना स्विट्जरलैंड और नॉर्मेडिक कंट्रीज से नहीं कर सकते हैं, जो डेनमार्क वगैरह है, क्योंकि उन लोगों के देश में, उन देशों में बच्चों के पास ऑलरेडी गैजेट्स हैं, वहां पे सरकार उनको सपोर्ट करती है, वहां का जो पर कैपिटा इनकम है बहुत ज्यादा है, पॉपुलेशन कम है, ये सभी इश्यूज हैं। तो क्या जो टेक्निकल हैजार्ड्स हैं, टेक्निकल हैजार्ड एक बहुत बड़ा इशू है जो इसमें आने वाला है। और जो जो एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है मित्रों, जो मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाहता हूँ, कि जो ये सब्स्टिट्यूट नहीं है फिजिकल प्रेजेंस का। फिजिकल प्रेजेंस जो ब्रिक एंड मोर्टार में क्लासेस चल रही हैं, ये उसका सब्स्टिट्यूट नहीं है। जैसे हम देखते हैं
जब अभी कोविड की क्राइसिस आई, कोरोना की क्राइसिस आई, तो हमें जब सामान खरीदना था तो हमारे घर के बगल में जो दुकान थी अंतोगत्वा, हमें मदद वहीं से मिली। और अमेजन और फ्लिपकार्ट जैसी जो कंपनियां हैं वो अपनी सर्विसेज नहीं दे पाई। तो इसका मतलब है कि आने वाले समय में, फ्यूचर में, ब्लेंड ऑफ, जो ब्लेंड ऑफ ऑनलाइन और ऑफलाइन टीचिंग होगी, ये होगी मुझे जो लगता है मित्रों ऐसे। और मतलब दोनों एग्जिस्ट करेंगी, जिस तरीके से ऑनलाइन स्टोर्स हैं और ऑफलाइन स्टोर्स हैं, अमेजन भी है और हमारे घर के बगल में रहने वाला रहने हमारे मोहल्ले में एक दुकान भी है, उसी तरीके से फ्यूचर में, आने वाले समय में दोनों चीजें एग्जिस्ट करेंगी। हम टीचर्स जो हैं इनको डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा अपने आप को। डाइवर्सिफाई का मतलब है कि उनको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी उनको आना चाहिए, उनको ऑफलाइन भी आना चाहिए, सीखना होगा, ये हमारी मजबूरी होगी। क्योंकि कोरोना क्राइसिस ये खत्म नहीं हुई है मित्रों, इस तरीके के कभी भी हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, अनुमान नहीं लगा सकते, इस तरीके की क्राइसिस कभी भी आ सकती है, हमको इसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। तो आज से ही हमें अपने अंदर एक बड़े परिवर्तन की जरूरत है कि हम ऑनलाइन एजुकेशन को भी अडॉप्ट करें ऑफलाइन के साथ साथ, क्योंकि ये हमारे लिए एक डाइवर्सिफिकेशन का इशू है। इसके साथ साथ एक इशू आता है कि जो कंटेंट्स जो हम बात कर रहे हैं, स्टैंडर्डाइजेशन का, जो मटेरियल हम प्रोवाइड करेंगे बच्चों को वो स्टैंडर्डाइज्ड मटेरियल होना चाहिए, क्वालिटेटिव मटेरियल होना चाहिए। तो क्या हम आने वाले समय में स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ द कंटेंट, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ द मॉड्यूल, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ द क्वालिटी, इसके बारे में सोचेंगे कि सभी बच्चों को ऑनलाइन मोड में एक जैसा ही मैटर प्रोवाइड कर सकें हम। इसके बाद मैं डिस्कस करता हूं मित्रों, चैलेंजेस क्या हैं ऑनलाइन एजुकेशन में, कौन कौन से चैलेंजेस हैं। मैंने अभी तक इश्यूज की बात की, अब मैं बात करूंगा चैलेंजेस इन ऑनलाइन एजुकेशन की। पहला चैलेंज है कि क्या हम जो कंटेंट डेवलप कर रहे हैं, जो विजुअली और हियरिंग चैलेंज्ड स्टूडेंट्स हैं, विजुअली और हेयरिंग चैलेंज जो स्टूडेंट्स हैं, क्या उनकी नीड्स को ऑनलाइन एजुकेशन फुलफिल कर पाएगा? एक बहुत बड़ा चैलेंज, क्योंकि फिजिकल सेटिंग में उनको पढ़ाना आसान है, क्या ऑनलाइन मोड में उनको हम ला सकेंगे? एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन भारत की विजुअली और हेयरिंग चैलेंज्ड है स्टूडेंट्स की। तो ऐसे स्पेशली जो एबल्ड स्टूडेंट्स हैं, इन स्टूडेंट्स के लिए क्या एक चैलेंज बना हुआ है कि उनके लिए किस तरीके का कंटेंट हम प्रोवाइड कर पाएंगे आने वाले समय में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे। सेकंड जो चैलेंज है मित्रों, कि जो टेक्निकल कोर्सेज हैं, जो प्रैक्टिकल कोर्सेज हैं, जैसे इंजीनियरिंग है, मेडिकल है, स्पोर्ट्स है, जो बच्चा बीपीएड कर रहा है क्या ऑनलाइन वो कर पाएगा, ऑनलाइन तरीके से अपने बीपीएड की क्लासेस को अटेंड कर पाएगा? क्या जो जो मेडिकल का स्टूडेंट्स है, अगर उसको सर्जरी करके उसको सिखाना है तो क्या ऑनलाइन मोड में प्रोवाइड ये संभव होगा? ये मुझे लगता है कि थोड़ा असंभव जैसी चीज है। तो इट इज, मैं इसीलिए ये कहना चाहता हूं मित्रों यहाँ पे कि ये सॉल्यूशन नहीं है, इट इज नॉट ए कंप्लीट सॉल्यूशन। क्योंकि स्पोर्ट्स का बच्चा, जो टेक्निकल इंजीनियरिंग का जो स्टूडेंट्स है, मेडिकल का जो स्टूडेंट्स है, उसके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है क्या प्रैक्टिकल जो चीजें हैं उस पर हो पाएंगी। थर्ड जो चैलेंज मुझे दिखता है वो है डिफरेंशियल इंस्ट्रक्शन का। डिफरेंशियल इंस्ट्रक्शन का मतलब यह हुआ कि हम जब क्लास में होते हैं तो जो बच्चे का जो सीखने का लेवल होता है अलग अलग होता है, हम उस हिसाब से बच्चे को केयर करते हैं, उस हिसाब से उसको समझाते हैं। तो क्या ये चीज ऑनलाइन एजुकेशन में पॉसिबल है, जिसको हम कहेंगे डिफरेंशियल इंस्ट्रक्शन? तो एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि हम हर बच्चों के लिए किस तरीके से हम अलग अलग कंटेंट्स प्रोवाइड कर सकें। चौथा जो फोर्थ चैलेंज है वो है असेसमेंट ऑफ पार्टिसिपेंट्स, असेसमेंट ऑफ स्टूडेंट्स। हम ऑनलाइन क्लास में जब होते हैं तो बच्चों से इंटरेक्ट करते हैं, अपने चैम्बर में बैठते हैं, उससे बात करते हैं, उसकी प्रॉब्लम्स को समझते हैं, असेस करते हैं, और उसके बाद उसको उस तरीके से सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। लेकिन क्या जो असेसमेंट ऑफ स्टूडेंट्स है ये पॉसिबल है ऑनलाइन एजुकेशन में? ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। पांचवा जो चैलेंज मुझे दिखता है वो है डिजाइनिंग ऑफ द लेक्चर। जो टीचर्स हैं वो अपने लेक्चर को कैसे डिजाइन करें, क्योंकि जो वर्क टीम है, जो टीम बिल्डिंग है स्टूडेंट्स के बीच में, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड है,
जो क्वेश्चन आंसर पूछ क्वेश्चंस पूछने की जो कला है, ये तमाम चीजें भी सिखाना एक एक स्टूडेंट एक टीचर का काम है। तो क्या हम अपने लेक्चर को ऑनलाइन मोड में इस तरीके का डिजाइन कर सकते हैं कि बच्चा टीम में काम करे, ग्रुप में काम करे, ग्रुप ग्रुप में वो सीखे? तो ये सभी जो इश्यूज हैं, ये चैलेंज है ऑनलाइन एजुकेशन में, क्योंकि ये पॉसिबल होता है जब हम ऑफलाइन एजुकेशन में होते हैं। तो छठा जो चैलेंज मुझे लगता है वो लगता है कि क्या हम एक ई लर्निंग कम्युनिटी क्रिएट कर पाएंगे। जैसे क्लास में हम क्या करते हैं, बच्चों को ग्रुप टास्क देते हैं, तो उनका एक जो है बॉन्डिंग होती है आपस में प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड डेवलप होता है। तो क्या हम एक ई लर्निंग कम्युनिटी बनाने की स्थिति में ऑनलाइन एजुकेशन में हो पाएंगे, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे? तो एक बहुत बड़ा चैलेंज ऑनलाइन एजुकेशन के सामने। इसके बाद है, लेकिन इन मित्रों मैं चैलेंज की बात नहीं करना चाहता, मैं इसके बाद डिस्कस करना चाहता हूँ इन चैलेंजेस को हम मीट आउट कैसे करें। चैलेंजेस तो बहुत सारे हैं, लेकिन ये मजबूरी होगी। मैं ऑनलाइन एजुकेशन के अगेंस्ट में नहीं हूँ, मैं ब्लेंडिंग ऑफ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन एजुकेशन के बीच को मैं समर्थन करता हूँ। लेकिन इन चैलेंजेस को हम कैसे आगे निकल सकते हैं इन चैलेंजेस से? सबसे पहले जब भी हम ऑनलाइन एजुकेशन के लिए जाएं, तो पहला जो हम इस चैलेंज से आगे निकलने की बात कर सकते हैं वो है कि वी कैन सीक द एडवाइस ऑफ प्रोफेशनल्स एंड एक्सपर्ट्स, बिकॉज वी आर नॉट प्रोफेशनल्स, वी आर नॉट प्रोफेशनल्स, वी मस्ट टेक द एडवाइस ऑफ प्रोफेशनल्स, तब हम कुछ चैलेंजेस से आगे निकल सकते हैं। सेकेंड है, हम अपने कोर्सेज को पहले से डेवलप करें। जैसे जो कंटेंट्स हमको पढ़ाने हैं उन कंटेंट्स को हम पहले से ही डेवलप कर लें, हाँ, तब हम ऑनलाइन एजुकेशन के जो चैलेंजेस हैं उनसे बाहर निकल पाएंगे। थर्ड है, सिलेबस को, जो पूरा सिलेबस है उसको मॉड्यूल्स में हमें चेंज करना होगा। हमारा सिलेबस हमें मालूम है मित्रों, अगर हम यूनिवर्सिटी सिस्टम में है, हायर एजुकेशन में है, तो हमारा सिलेबस नॉर्मली 5 यूनिट्स का होता है, लेकिन हमको इसको मॉड्यूल्स में कन्वर्ट करना होगा यदि हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के चैलेंजेस से बाहर निकलना चाहते हैं। और इसके बाद इन चैलेंज को मैनेज करने का जो सबसे और दूसरा तरीका है वो ये है कि हम जो स्टूडेंट्स की क्वेरीज है उसको कितना प्रॉम्प्ट तरीके से हम जवाब दे पाते हैं, कितने प्रॉम्प्ट तरीके से उसको हम जवाब दे पाते हैं। यदि हम स्टूडेंट्स के क्वेरीज को तुरंत सॉल्व करें या कम से कम समय में सॉल्व करें, तो हम इन चैलेंजेस से आगे निकल सकते हैं। फिर ट्रैकिंग ऑफ द स्टूडेंट्स इन कोर्स एक्टिविटीज, इसका मतलब है कि जो स्टूडेंट्स हैं उनका जो ट्रैकिंग, उनको जो हमने असाइनमेंट्स दिए, क्विजेस दिए, क्या वो कर रहे हैं, क्या वो समय से कर पा रहे हैं, तो वी मस्ट ऑलवेज ट्रैक द स्टूडेंट्स इन कोर्स एक्टिविटीज। एंड जो चैलेंज, जो मैं एक अपनी तरफ से सजेशन मित्रों देना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू गिव वन सोल्यूशन फ्रॉम माई साइड, कि इनकरेज स्टूडेंट्स फॉर इनफॉर्मल डिस्कशन, बिकॉज वेन वी टेक क्लासेज ऑन दी ऑनलाइन मोड स्टूडेंट्स यूजली इंटरेक्ट इन दी फॉर्मल वेज, वी शुड इनकरेज द स्टूडेंट्स फॉर इनफॉर्मल डिस्कशंस। अब मैं मित्रों इसके बाद मैं अपने थर्ड पार्ट में जाता हूँ इशूज के बाद, वो है अपॉर्चुनिटीज इन ऑनलाइन एजुकेशन। कौन कौन से अपॉर्चुनिटीज हैं जो ऑनलाइन एजुकेशन में अवेलेबल हैं? फर्स्ट है कि ये अपॉर्चुनिटी है कि हम वी कैन ओवरकम ज्योग्राफिक एंड टाइम पैरिटीज। जो ज्योग्राफिक है, मतलब मैं यहाँ बैठे हुए मैं देख पा रहा हूँ इस समय मालेश गुरम है मेरे साथ ललिता राव है, दे आर फ्रॉम द साउथ, आई कैन इंटरेक्ट सिटिंग इन मोतिहारी। इट मीन्स इट हैज दिस ऑनलाइन मोड हैज गिवन मी ए अपॉर्चुनिटी टू इंटरेक्ट विथ दी फैकल्टी मेंबर्स स्टूडेंट्स अक्रॉस इंडिया अक्रॉस दी वर्ल्ड। सो दिस इज द बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी विच इज अवेलेबल विद दी टीचर्स। सेकेंड इज, जैसे मैंने आपको एक चर्चा की थी कंपनी के की बैजू कंपनी है, उसके अलावा बहुत कंपनीज है, एडुकॉम्प है, एडुकार्ट है, एक्सेल सॉफ्ट है, बहुत सारी कंपनीज इंडिया में काम कर रही है, वेदांतु भी नहीं आ गई है, मैं देख रहा हूँ उसका एडवर्टाइजमेंट आ रहा है टीवी पर। तो सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग की तरफ ले जा रही है, मतलब ये एप्स जो हैं, ये एप्स बच्चों की कैपेबिलिटीज को पहचान कर और उनके हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि लर्निंग को डायरेक्ट कर रहे हैं। तो इसका मतलब एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है एसेस करके स्टूडेंट्स को, उनके हिसाब से उनको डायरेक्ट करना, क्या सीखना है उनको, कैसे सीखना है। थर्ड जो अपॉर्चुनिटी है,
कि ऑनलाइन लर्निंग आने से जो स्टूडेंट्स हैं वी कैन डेवलप देयर इंटरनेट एंड कंप्यूटर स्किल्स। जो बच्चे अभी तक अपने इंटरनेट और कंप्यूटर स्किल्स में अच्छा नहीं कर रहे थे, ऑनलाइन लर्निंग आने की वजह से वो मजबूर होंगे सीखने के लिए कंप्यूटर कैसे चलता है, इंटरनेट को कैसे यूज करते हैं, प्लेटफॉर्म्स को। इसका मतलब इसने एक अपॉर्चुनिटी दी है कि बच्चों के इंटरनेट और कंप्यूटर स्किल्स को भी बढ़ाया जा सके। और फोर्थ अपॉर्चुनिटी जो मुझे दिखती है, क्लास में बहुत सारे इंट्रोवर्ट स्टूडेंट्स होते हैं, और ये इंट्रोवर्ट जो स्टूडेंट्स होते हैं ये स्टूडेंट्स क्लास में कभी टीचर से इंटरेक्ट नहीं कर पाते, लेकिन ऑनलाइन मोड में मुझे लगता है कि जो शाई और इंट्रोवर्ट स्टूडेंट्स हैं दे कैन फुल्ली पार्टिसिपेट, दे कैन फुल्ली पार्टिसिपेट इन द डिस्कशंस, क्योंकि वो एक अपॉर्चुनिटी देता है। तो इंट्रोवर्ट और शाई स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है इसमें। और मुझे सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी दिखती है इंडिया के लिए। इंडिया के लिए क्या अपॉर्चुनिटी दिखती है, आपको मित्रों मालूम है कि इंडिया की जो पॉपुलेशन है उसमें लगभग 65% जो पॉपुलेशन है वो 35 वर्ष से कम की है। ये 2020 का डेटा जिस समय मैं बात कर रहा हूँ वो दे रहा हूँ आपको। और इसमें बहुत सारे जो यूथ हैं वो टेक्नो सेवी हैं, जो अब बहुत सारे इंडिया के जो टेक्नोक्रेट्स हैं वो सिलिकॉन सिटी में और इंडिया में भी जो साइबराबाद है जिसको हैदराबाद के पास उसमें काम कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि इनके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है यंग टेक्नोक्रेट्स के लिए कि वो अब एप्स क्रिएट कर सकते हैं, उनके लिए इंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटी मुझे इसमें दिखती है। जो टेक्नोक्रेट्स हैं, बीटेक हैं, बीटेक स्टूडेंट्स हैं, वो स्टूडेंट्स आने वाले समय में इस ऑनलाइन एजुकेशन को यूज, ऑनलाइन एजुकेशन के लिए काम कर सकते हैं, अपने नए नए स्टार्टअप्स बना सकते हैं, लोगों को मैं ये कह सकता हूं कि नए नए एप्लीकेशंस प्रोवाइड कर सकते हैं। एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी, इंडिया कैन बिकम द ग्लोबल हब ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। छठी बात जो मैं डिस्कस करना चाहता हूं मित्रों, अपॉर्चुनिटी जो मैंने बताया कि जिस तरीके से अमेजन और फ्लिपकार्ट भी एग्जिस्ट कर रहे हैं, ऑफलाइन स्टोर्स भी एग्जिस्ट कर रहे हैं, उसी तरीके से ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों एग्जिस्ट करेंगे आने वाले समय में। सिमुलेशन एक्टिविटीज, मित्रों आपको मालूम है कि सिमुलेशन आज की डेट में पॉसिबल है, तो सिमुलेशन जो गेम्स हैं उसको भी डेवलप किया जा सकता है। एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है सीखा बच्चों को लर्निंग के लिए, वो ज्यादा सीख सकें इसके लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि जो टेक्नोक्रेट्स हैं सिमुलेशन एक्टिविटीज जो है वो क्रिएट कर सकते हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे, और जिसपे बच्चे बहुत ज्यादा सीख सकते हैं। इसके बाद हम ये कह सकते हैं कि एक अपॉर्चुनिटी आती है कि लर्निंग गेम्स, इंटीग्रेशन ऑफ गेम्स इन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। हम गेम्स को, जो गेमिंग कंपनीज हैं उनको आपस में जोड़ करके हम क्या कर सकते हैं, बच्चों के लिए ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन जो एजुकेशन के एप्स हैं उनको और इंटरेस्टिंग बना सकते हैं मित्रों। ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हमें दिखती है। इस समय मैं भारत सरकार के कुछ स्कीम्स को यहाँ डिस्कस करना चाहूंगा मित्रों। भारत सरकार ने अभी घोषित किया है, वो बहुत अच्छी घोषणा मुझे लगी है, कि क्लास फर्स्ट से लेकर क्लास 12th तक के बच्चों को अवेलेबल, हर क्लास के लिए एक एक चैनल स्टार्ट होगा, एक एक चैनल स्टार्ट करने जा रही है भारत सरकार। उसके क्लास 1 के लिए अलग और क्लास 2nd के लिए, इसी तरह क्लास 12th तक। तो इसका मतलब है कि आने वाले समय में मुझे अपॉर्चुनिटी दिखती है कि जो ऑल इंडिया रेडियो है, जो कम्युनिटी रेडियो है, जो टेलीविजन है, डीटीएच है, ये भी बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे आने वाले समय में एजुकेशन सेक्टर में। क्योंकि सिर्फ ऑनलाइन एप्स नहीं, डीटीएच प्लेटफॉर्म्स, टेलीविजन्स, ऑल इंडिया रेडियो के जो जो चैनल्स हैं, इसके साथ साथ कम्युनिटी रेडियोज हैं, ये भी मुझे लग रहा है कि जब ये डाइवर्सिफाई करेगा मार्केट ऑनलाइन एजुकेशन का तो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी हमारे लिए। मुझे लगता है मित्रों कि जितने भी कॉलेजेस आज की डेट में चल रहे हैं, दीज कॉलेजेस नीड्स टू अडॉप्ट दी न्यू टेक्नोलॉजीज। व्हाई दे बिकॉज आने वाला समय जो होगा, उस आने वाले समय में ये जो कोरोना क्राइसिस के दौरान हम लोगों ने चीजें सीखी है ये खत्म होने वाली नहीं है। जिस तरीके से हमने, और मनुष्य की मित्रों एक क्वालिटी होती है कि उस समय के हिसाब से अपने अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन लेके आता है, ये पॉजिटिव क्वालिटी होती है, संघर्ष करता है और नई नई अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करता है, इसको एक्सप्लॉइट करता है। उसी तरीके से मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी के तौर पर आया है। ये इस क्राइसिस में हमें एक अपॉर्चुनिटी मिली है, इस अपॉर्चुनिटी को हमको इनकैश करना चाहिए। अब हम डिस्कस करते हैं कंक्लूजन की। मैं यहाँ पर अपने लेक्चर के लास्ट में
कुछ कंक्लूजन देना चाहूंगा मित्रों। वो कंक्लूजन ये है कि अभी तक आने वाले समय में भारत सरकार को जिस तरीके से हायर एजुकेशन के लिए उसने यूजीसी बनाया है, टेक्निकल एजुकेशन के लिए आईसीटी बनाया है, उसी तरीके से ये मेरा अपना सजेशन है कि एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाना पड़ेगा, उसे गाइडलाइंस, जो कि रेगुलेटरी अथॉरिटीज गाइडलाइंस बनाएं ऑनलाइन एजुकेशन के लिए, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के लिए। तो आने वाले समय में ये मुझे लगता है कि ये भी एक बहुत बड़ा काम होगा। क्लाउड कंप्यूटिंग की वजह से मित्रों, ये जो मैं आप एप्स देख रहे हैं, चाहे बैजूज हैं, एडुकॉम्प है, चाहे वो एडुकार्ट है या एक्सेल सॉफ्ट है, ये जो एप्स आप देख रहे हैं, वेदांतु है, ये सभी एप्स इतना बेटर क्यों परफॉर्म कर पा रहे हैं, उसका सबसे बड़ा रीजन है क्लाउड कंप्यूटिंग। क्योंकि क्लाउड कंप्यूटिंग की वजह से डेटा को प्रोसेस करना, प्रोक्योर करना और एसेस करना ये पॉसिबल हो पाया है, और इसकी वजह से इंफॉर्मेशन को हम कहीं भी पहुंचा सकते हैं, इंफॉर्मेशन को कहीं भी शेयर कर सकते हैं, एनी टाइम एनी वेयर, जो हम कह सकते हैं ऑनलाइन एजुकेशन ये पॉसिबल हो पाया है। मुझे लगता है मित्रों कि आने वाले समय में जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की जरूरत पड़ेगी, क्लाउड कंप्यूटिंग को और स्ट्रेंथन करना होगा। और मैं यहाँ पे चर्चा करना चाहूंगा, एक ऑथर हैं युवाल एन हरारी, उनको मैं यहाँ पे उनकी चर्चा करना चाहूंगा, जिन्होंने 21 लेसंस फॉर द 21st सेंचुरी लिखा है। ये किताब है मित्रों, आप नोट डाउन कर सकते हैं, 21 लेसंस फॉर द 21st सेंचुरी। इसमें उन्होंने कहा है कि जो ट्रेडिशनल क्लासरूम सेटिंग्स थी उसमें हमारे एकेडमिक स्किल्स और रोट लर्निंग पे बहुत ज़्यादा जोर दिया जाता था, लेकिन अब जरूरत है क्रिटिकल थिंकिंग की और एडेप्टेबिलिटी, क्रिटिकल थिंकिंग और एडेप्टेबिलिटी को बढ़ाया जा सकता है यदि गुड ब्लेंड ऑफ ऑनलाइन और ऑफलाइन टीचिंग का प्रयोग किया जाए। तो मित्रों, कुछ ऐसी जानकारियां मैंने आपके साथ शेयर की, और इसके साथ साथ मैं ये भी शेयर करना चाहता हूं मित्रों कि जो चेंज है, चेंज कॉन्स्टेंट है और चेंज के साथ हमें बदलना ही पड़ता है। तो ऑनलाइन एजुकेशन के जो इश्यूज, चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज़ है, इस पे मैंने चर्चा की। मुझे लगता है कि मैंने यहाँ पर ज़्यादा ये चर्चा की कि मेरे लेक्चर के बाद आप जाएं, आप सोचें। डेटा मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट नहीं था शेयर करना, मेरे लिए इम्पॉर्टेंट ये था कि हम जो इमोशनल कनेक्ट है, जो बच्चों के साथ हमारी इमोशनल बॉन्डिंग है, जो हमारी साइकोलॉजिकल फ्रिक्वेंसी मैचिंग है, जो हमारी ऑफलाइन क्लासेज में होती थी, वो ऑनलाइन क्लासेज में कहीं ना कहीं मिस करेंगी। जिस तरीके से मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ मित्रों, जब पहले बैंकिंग होती थी, बैंकिंग में हम जाते थे पैसा निकालने के लिए ब्रांच में, तो ब्रांच के मैनेजर से मिलते थे, वहाँ के कर्मचारियों से मिलते थे, और उसके साथ साथ उनसे हमारी एक इमोशनल बॉन्डिंग भी होती थी। लेकिन आज क्या है, आज हम जाते हैं एटीएम से पैसा लेके चले आते हैं और एटीएम में ही जमा कर देते हैं, जो हमारा मैन टू मैन एक तरीके से जो संबंध है वो खत्म हो रहा है, फेस टू फेस जो संबंध है वो खत्म हो रहा है। तो मुझे लगता है कि ऑनलाइन एजुकेशन को इनकॉर्पोरेट जरूर करना चाहिए, क्योंकि ऑफलाइन एजुकेशन अफोर्डेबल सभी लोगों के लिए नहीं है, लेकिन ऑनलाइन एजुकेशन अफोर्डेबल हो सकती है, इस पे सस्ते कोर्सेज आ सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक शेयर करना चाहता हूँ कि लंदन के कॉलेज ने कोरोना क्राइसिस पे सर्टिफिकेट कोर्स डिजाइन किया पेंडेमिक के समय में, जो कि एक बहुत सुपरहिट कोर्स हुआ, और उस सुपरहिट कोर्स को लगभग कई लाख लोगों ने अपने आप को उसमें इनरोल कराया। भारत में एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है मित्रों, जिसको आप जानते हैं, इग्नू है, हर स्टेट में ओपन यूनिवर्सिटीज हैं। ये ऑफलाइन एजुकेशन में ऑलरेडी थी, लेकिन टेक्नोलॉजी का इंटरवेंशन अब बहुत ज़्यादा होगा और जो ट्रेडिशनल यूनिवर्सिटीज हैं, चाहे वो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, चाहे मेरी यूनिवर्सिटी है, उसको कहीं ना कहीं आने वाले समय में जो टेक्नोलॉजिकल हम कह सकते हैं एडवांसमेंट, उसके लिए जाना पड़ेगा। स्टूडेंट्स जो है उनको अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा, हमारे जैसे शिक्षकों को भी अपने अंदर बहुत बदलाव लाना पड़ेगा, ये सभी बदलाव हम देखते हैं। मित्रों, मैं एक संस्कृत का श्लोक है, उस श्लोक को बोलने के बाद अपनी वाणी को विराम दूंगा, और वो श्लोक है, विद्या ददाति विनयम, विनयाद याति पात्रताम, पात्रत्वात् धना प्राप्नोति, धनात् धर्म ततः सुखम। ये बहुत ही संस्कृत का एक बहुत ही अच्छा श्लोक है, जो हमें संस्कृत में सुभाषित में पढ़ाया जाता था। तो मुझे लगता है कि जो विद्या है विनय देती है, और ये विनय कहीं न कहीं जो हमारे
शिक्षकों के साथ रहने से, अपने दोस्तों के साथ रहने से मिलता है। तो ऑफलाइन एजुकेशन इसका सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता, लेकिन ये भी हम नहीं कह सकते कि जो ऑनलाइन एजुकेशन है उसको हम इग्नोर कर सकते हैं। तो मित्रों, मुझे जितनी बात कहनी थी मैंने अपनी बात कम से कम समय में, जैसा मैंने कहा था कि जो रिसर्च स्टडीज़ हैं, रिसर्च स्टडीज़ ये कहती हैं कि 40 मिनट से ज़्यादा का जो समय है वो समय इफेक्टिव नहीं होता है। तो मैंने अपने जो लेक्चर है इसको शॉर्ट रखा, और इस शॉर्ट लेक्चर में प्रयास किया कि आप लोगों को मैं बहुत ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बता सकूं। मैंने कोई भी नई चीज़ नहीं बताई है, कोई भी नया डेटा आपसे नहीं शेयर किया है, लेकिन मैंने ये कोशिश की है कि मेरे लेक्चर के बाद आप कुछ न कुछ सोचने को मजबूर हों, कुछ नया करने के लिए मजबूर हों, और कुछ उत्साह और जो उमंग है, इस उत्साह और उमंग के साथ फिर हम एक नए दिन की शुरुआत करें, नए वर्ष की शुरुआत करें, और पोस्ट कोरोना क्राइसिस को क्राइसिस के तौर पर न देखें हम लोग, हम इसे देखें एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर। और इसी के साथ मैं आप सभी लोगों से विदा लेता हूं। मैं डॉक्टर सोमू सिंह को धन्यवाद देता हूं, टीचर्स एजुकेटर्स इन इंडिया को पुनः धन्यवाद देता हूं इस फेसबुक पेज को, और आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।